वेलकम टू एस एस सी एग्जाम बाई एग्जामपुर मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एस एस सी एग्जाम बाई एग्जामपुर पे जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है डेली करंट अफेयर की लेकिन आज आपका चारवीं बार चौथी बार दोबारा से क्या हो रहा है आपका पार्ट फोर होने जा रहा है लेकिन किसका आपके रिवीजन सेशन का मतलब डेली आपकी जो क्लास होती है करंट अफेयर की उसकी जगह आज चौथी क्लास जो हो रही है वो हो रही है आपके रिवीजन के लिए क्यों हो रही है क्योंकि दीपावली जो आपकी है दीपावली की एक तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हाथ जोड़ के सभी से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं नाउ एवरी स्टेप टू सक्सेस मतलब अब हर कदम सफलता की ओर जैसे अपनी आपने दीपावली मनाई है ऐसे ही अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से आप लोग तैयारी करिए जिसमें मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास आप ले सकते हो डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाती है ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी डेली क्लास होती है डेली डेली होती है लेकिन अब जो हो रही है पार्ट फोर जो आपका हो रहा है लगातार 4 दिन से आपका रिपीटेड सेशन चल रहा है क्योंकि जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने आज तक आपके साथ कवर किए हैं डेली के उन सबका रिवीजन सेशन आपका चल रहा है तो आप लोग इस सेशन को लेना ना भूलें ताकि क्योंकि दीपावली के माध्यम से आप डेली जानते होंगे कि बहुत से लोग आ नहीं पाते टाइम से क्योंकि आपका त्यौहार चल रहा है लेकिन आप क्या कर सकते हो इस रिपीटेड सेशन को ले सकते हो उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपकी करंट अफेयर की डेली करंट करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट फोर करंट अफेयर दिवाली रिविजन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्या कह रहा है? हाल ही में दिल्ली पुस्तक मेले के आयोजन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया भैया हाल ही में दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है निम्न में से किसके द्वारा किया गया है रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज द इनोग्रेशन ऑफ बुक फेयर जितेंद्र सिंह कृष्ण कुमार नरेंद्र सिंह तोमल या फिर आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निम्न में से किसके द्वारा किया गया है जल्दी बता दो एक बार और याद रखना दिल्ली पुस्तक मेले का जो पहला आपका उद्घाटन हुआ था यह कह सकते हो पहला संस्करण हुआ था कब हुआ था उन्नीस में कब हुआ था उन्नीस में दुनिया भर के जितने भी आपके पब्लिशर्स होते हैं जो अभी अगर स्टार्टिंग इस के इसमें बात की जाए तो लगभग इसमें 120 से ज़्यादा कौन थे अगर 120 से ज़्यादा पब्लिक परिसर्च इसमें शामिल थे और अगर इस संस्करण की बात की जाए तो वो आपका छब्बीसवा है पहला हुआ था उन्नीस में तो एक बार सभी लोग बता दो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है निम्न में से किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है भाई जो भी लोग एफ दे रहे हो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स वो तो इसका आयोजक है वो कौन है इसका आयोजक है अगर आयोजन की बात की जाए या इसके उद्घाटन की बात की जाए किसके द्वारा आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और वो भी आवासीय तौर पे 26वां संस्करण था और पहला संस्करण उन्नीस में हुआ था कब हुआ था उन्नीस में इतनी बात क्लियर कब हुआ था उन्नीस सौ बहत्तर में इतनी सभी को बात क्लियर एफ आई पी जो आपकी है जिसका फुल फॉर्म होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स उसने इसको आयोजित किया था इतनी बात के लिए ज्यादा डीप नहीं जाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया है रिवीजन क्लास है टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको आप रिवीजन करोगे क्वेश्चन नंबर दो हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा कौन सा राज्य क्या है अनुसार शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट विच स्टेट वाज एट द टॉप मतलब कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बता दो और इसका मतलब क्या होता है पब्लिक अफेयर्स की अगर बात की जाए इसका मतलब क्या होता है कुछ और मत समझ लेना आप लोग बड़े समझदार हो लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात की जाए मतलब सबसे अच्छा आ, सारे राज्यों को मद्देनजर रखते हुए छत्तीस राज्यों की बात कर की जाए छत्तीस स्टेट्स की बात की जाए राज्य की बात की जाए जिसमें आपकी यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है ठीक है छत्तीसों की बात की जाए छत्तीस में पहला स्थान किसका आया है सबसे अच्छा शासन किस प्रदेश में है उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट आई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल केरल में सबसे अच्छा शासन है और उसी के अंतर्गत अगर दूसरा राज्य देखा जाए दूसरा कौन सा है आपका तमिलनाडु दूसरा कौन सा राज्य आता है आपका तमिलनाडु और इसी लिस्ट में सबसे नीचे पायदान पे कौन है तो आपका है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब शासन है कहां पे उत्तर प्रदेश में इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात क्लियर हुई और जो सूचकांक होता है कैसा होता है सीधी सी बात है अगर शासन की बात की जाए कैसा शासन है वहां पे परिटी कैसी है वहां पे विकास कैसा है वहां पे विकास कैसा है कैसे चीजें वहां पे चल रही हैं इसी के अकॉर्डिंग इस इंडेक्स को निकाला जाता है ये एक तरीके का क्या है थिंक टैंक है है क्या है? पब्लिक अफेयर सेंटर क्या है एक थिंक टैंक है इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात सभी को क्लियर हुई ठीक है सबसे नीचे कौन है उत्तर प्रदेश है लेकिन 2020 में सबसे ज्यादा उन्नीस बीस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग पचास करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए हैं घरेलू पर्यटक इसी के साथ इसका पहला स्थान बन जाता है उत्तर प्रदेश का और दूसरे की बात की जाए दूसरा इसमें कौन है आपका तमिलनाडु किसमें सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक किस राज्य में आए हैं उत्तर प्रदेश में दूसरा बन जाता है तमिलनाडु में लेकिन घरेलू की बात की जाए तो अगर विदेशों की बात की जाए उसका आंसर पहला हो जाएगा आपका तमिलनाडु सबसे ज्यादा किस में आए हैं आपके तमिलनाडु में इतनी बात क्लियर हुई क्वेश्चन नंबर दो से दो क्वेश्चन आपके निबट गए अगर केरल की बात की जाए तो एम लागू करने वाला पहला राज्य वह एमएसपी के अंतर्गत सोलह सब्जियों पे मोल सोलह सोलह सब्जियों के ऊपर एमएसपी की स्थाई मूल्यांकन करने वाला स्थाई प्राइस लगाने वाला पहला राज्य आपका बन गया केरल और एमएसपी को एमएसपी को क्या एमएसपी को एमएसपी पे जो प्राइस होते हैं ना उसको ठुकराने वाला पहला दास पहला देश पहला राज्य बन गया है आपका पंजाब जिसने इस बात को नहीं माना है वह अपने अध्यादेश से उस पर कुछ चेंजेस उसने किए हैं ठीक है जिसमें लोगों को क्या हो सकती है तीन साल की जेल भी हो सकती है क्वेश्चन नंबर तीन हाल ही में इतिहास में पहली बार किस स्पेस एजेंसी का ओसी रिस यान क्षुद्र ग्रह बैनू पर पहुंचा जैसे कि हमने बताया था बेनू क्या है एक तरीके का एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो क्या होते हैं जिसको आप उल्का पिंड कहते हो ना जो उपग्रह ग्रह के बीच में चक्कर लगाती रहती हैं उनको क्या कहा जाता है एस्ट्रोनॉट कहा जाता है क्या कहा जाता है एस्टेनाइट कहा जाता है और इसी के अंतर्गत इस पर एक ऐसा है जिसका नाम है आपका बेनो उस पर किस देश का एक यान पहुंचा है जिसका नाम है ओसिरिस रेस्क ओसे रेक्स रैक्स ठीक है विच स्पेस एजेंसीज और सिस रैक्स प्रोब एस्ट्राइट बेनो रिचड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट हिस्ट्री नासा इसरो जाक्सा या फिर इनमें से कोई नहीं यूएसओ इंडिया यूएसए इंडिया और ये कहाँ की है आपके रूस की है कहां की है आपके रूस की है जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर मिलके बता दो क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बता दो क्या होगा यहाँ पे बहनों की बात की जाए या एक्स्ट्रोराइड की बात की जाए जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं ये कैसे होते हैं ये खगोलीय पिंड होते हैं वह आपकी जो ब्रह्म जो आपका ब्रह्मांड होता है उसमें क्या रह कहते हैं ये घूमते रहते हैं और ग्रहों से छोटे होते हैं कौन आपके क्षुद्र ग्रह लेकिन उल्का पिंडों से कुछ बड़े होते हैं उल्का पिंडों से कुछ बड़े होते हैं ठीक है ठीके? जल्दी बता दो कौन सा पहुंचा अगर रियलिटी में देखा जाए तो कौन पहुंचा है अमेरिका की एजेंसी है स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा तो नासा का एक यान है जिसका नाम है ओसिरिस ए रैक्स वो यहाँ पे पहुंचा है और अभी हाल ही में जो आपका इसरो है इसरो ने उपग्रहों का अवलोकन करने के लिए किसका उपग्रहों का अपलोकन करने के लिए एक ग्रह लॉन्च किया है एक लॉन्च किया है जिसका उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है ओ एस वन ज़ीरो वन ओ O, Z, o, sorry, इतना क्लियर ई ओ एस जीरो वन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया है आपके उफ, आपके किसने आपके इसरो ने अगर नासा की बात की जाए तो औसर रेस्कान छुद ग्रह पर जो पहुंचा है वो किसका है आपके नासा का किसका है नाचा नासा का और आपका जो वेन्यू जिसको कहते हो या कहते हो आप वीनस या कहते हो आप शुक्र इस पर अभी किससे अगर इसकी बात की जाए इस पर अभी हाल ही में जो आपकी पी एच थ्री गैस होती है जिसको कहा जाता है फास्फीन इसकी अभी हाल ही में घोषणा हुई है वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज शुक्र पर कब की ली कर ली थी 2016 में खोज कर ली थी लेकिन तीन दो में कर ली थी लेकिन अभी हाल ही में 2020 में तीन साल बाद इन्होंने ये बताया है कि इसकी खोज शुक्र पर की गई और इसके तहत बैक्टीरिया के तहत इसको पाया गया है और यही क्या बन सकती है वहाँ पे जीवन उत्पन्न होने की जीवन वहाँ पे होने की संभावना व्यक्त करती है फास्फीन का की बात की जाए तो पी एच थ्री इसका सूत्र हो गया और पीएच में आपका फास्फोरस का एक कण और हाइड्रोजन के तीन कण से मिलकर बनी होती है आपकी फास्फीन गैस कौन सी आपकी फास्फीन गैस इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात क्लियर हुई ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बस इतने आप क्वेश्चन आपके कवर हो गए क्वेश्चन नंबर तीन आपका कवर और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो क्वेश्चन को रिपीट जल्दी जल्दी करते जाओ क्योंकि दीपावली आपकी है और जो भी आपके हमने क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे रिपीटेड हैं करंट के क्वेश्चन हैं लेकिन कैसे रिपीटेड हैं और जैसा कि आपको लिखा है ऊपर दिवाली रिविजन चल रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर चार हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपना पहला स्थापना दिवस मना रहा है हाँ भाई बिल्कुल बात सही है इकतीस अक्टूबर 2019 को दो, दो राज्यों का आपका क्या हुआ यूनियन टेरिटरीज में मिलाए गए हैं लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर उसी के तहत अभी हाल ही में इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्या कर रहा है अपना स्थापना दिवस मना रहा है रिसेंटली विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज सेलिब्रेटिंग इट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे लद्दाख तमिलनाडु जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं तो आप जाओ ही मत या तो लद्दाख होगा या तमिलनाडु या तो आपका कश्मीर होगा तमिलनाडु को छोड़ दो और इनमें से कोई नहीं आपका नहीं होगा इतने हिंट आपको हमने दे दी अब बता दो जल्दी से बहुत बढ़िया इसका बता दो सभी लोग मिलके बताएंगे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर चार का आंसर बता दो क्या होगा जल्दी से सभी लोग एक बार बताएंगे क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा हाँ बिल्कुल गुड इवनिंग भाई जितने भी लोग हैं सभी को गुड इवनिंग और जितने भी लोग हैं एक बार मिलकर सेशन को शेयर कर देंगे मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग अपना रिवीजन एक बार दोबारा से कर सके एक बार मिलके सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे शेयर कर देंगे अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लेंगे और सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को ठीक है क्वेश्चन नंबर चार का आंसर बताओ और इसी के अकॉर्डिंग सभी लोगों का आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर चार का आंसर जो पहला आपका आंसर होगा लद्दाख लद्दाख में हाल ही में क्या हुआ है इकतीस अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी दोनों बनाए गए थे लेकिन अभी हाल ही में कौन मना रहा है आपका स्थापना दिवस मना कौन रहा है आपका लद्दाख बना रहा है इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात सभी को क्लियर हुई कैपिटल की बात की जाए तो ले कारगिल यहां की, कार, कार की दोनों है ठीक है दोनों की दोनों यहाँ पे हैं और यहाँ पे याद रखना ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है टेम्परेचर माइनस में तक तक चला जाता है और यहीं पे एक स्पेशल यहाँ पे ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे जो वाहन होते हैं ना वो यहाँ पे ना रुके क्योंकि सारी सारी चीज़ें जम जाती हैं और खाने बनाने इत्यादि तक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो एक ऐसा ईंधन यहाँ पे दिया जाएगा जो कि ना जमे ठीक है जो कि ना जमे और पाली कार्बेट ग्रीन हाउस का भी यहाँ पे एक संस्था द्वारा यहाँ पे क्या किया गया या पाली कार्बेट ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाएगा जिसके अंतर्गत जितनी भी सब्जियां होती हैं वो गर्मी में ही तो होती हैं भाई सर्दी इतनी पड़ेगी तो होंगी कैसे लेकिन इसके अंदर ये यहाँ पे सब्जियां पैदा कर सकते हैं तो इसकी भी स्थापना कहाँ हो रही है आपके लद्दाख में हो रही है कहां पे हो रही है लद्दाख में हो रही है।, इसका नाम है क्या पाली कार्बेट ग्रीन हाउस ठीक है जैविक प्रदेश बनाने के लिए ठीक है बहुत बढ़िया अगर यहां पे उपराज्यपाल की बात की जाए या लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो कौन है आपके आर के माथुर कौन है आर के माथुर इकतीस अक्टूबर 2019 डेट याद रखेंगे और इकतीस अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या बनाई गई जयंती मनाई गई है कौन सी एक सौ पैंतालीस जयंती और इसी दिन क्या है आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर का भी यूनियन टेरिटरी ये दोनों लोग बने थे इतनी बात क्लियर इतनी बात क्लियर और एक क्वेश्चन यहाँ से एक नोट कर लेना कौन सा कर्नल चेवांग रिसेन सेचू कौन सा कौन सा सेतु कौन सा पुल कर्नल चेवांग रिचैन सेतु जो कि लद्दाख में बनाए और किस नदी के ऊपर बनाए तो लिख लेना सोग नदी पे एस एच वाई ओ के सोग नदी पे इसको हाल ही में यहाँ पे लद्दाख में बनाया गया है क्वेश्चन नंबर पाँच निम्न में से कौन हाल ही में लॉन्च किताब या बुक द अल्टीमेट गोल के लेखक है अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है हु एवंग द फॉलोइंग ऑर्धर ऑफ द रिसेंट लॉन्च बुक द अल्टीमेट गोल माही त्रोपति जगदीश मुखी सर्वानंद देशमुख या आपके हो गए विक्रम सूद इनमें से बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर सभी लोग बनाए बताएंगे क्या होगा अभी हाल ही में द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन हैं जो बुक हाल ही में अभी आपकी लॉन्च हुई है अगर इस आंसर की बात की जाए या इसमें से आप एक बार बता सकते हो तो जो भी इसका आंसर है उन्होंने क्या किया है भारत के लिए क्या किया है बाहरी खुफिया एजेंसियों के ये क्या थे एक प्रमुख थे और कब थे 2000 से 2000 से 2003 तक जितने भी आपकी बाहरी खुफिया एजेंसी होती हैं जिसको आप कहते हो रा जिसको आप कहते हो रॉन्ट एजेंट जो होते हैं उसी के ये प्रमुख थे 2000 से 2000 के तीन में और इसका अगर सही आंसर की बात की जाए इसका सही आंसर क्या होगा बिक्रम सूद इनका सही आंसर क्या होगा बिक्रम सूद और इन्होंने जो अल्टीमेट गोल का मतलब क्या होता है जितने इन्होंने अपने काम किए हैं वहाँ फिर देशों में जा जाके वहाँ की संस्कृति की बात की जाए वहाँ पे नाटक की बात की जाए वहाँ के जितने भी कलाकारी की बात की जाए नई नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए या फिर वहाँ के कला की बात की जाए साहित्य की बात की जाए लैंग्वेजेस की बात की जाए लोगों के बिहेवियर की बात की जाए रॉ एजेंट से जितने भी आपको खुफिया चीज़ें मिलती हैं क्या होता है क्या नहीं होता है सारी की सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने किस में कर दिया है द अल्टीमेट गोल क्योंकि इस गोल के अंतर्गत उन्होंने इस जो अपने जीवन का व्यक्तित्व होता है ना पूरा का पूरा इन्होंने छाप दिया है किसमें द अल्टीमेट गोल और इसके लेखक हैं विक्रम सूद जो कि लॉ एजेंट कब बने थे 2000 में स्टार्टिंग हुई थी 2000 से 2003 तक ये क्या थे आपके कर थे क्या थे आपके कर थे ठीक है और अभी हाल ही में कौन है तो सामंत सामंत गोयल जी कौन है सामंत गोयल जी अगर रॉ की बात करी जाए रॉ की बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1968 को कब हुई थी 1968 को और अगर इस आ, हेड़, हेड़ की बात की जाए एच की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है न्यू डेली में है कहाँ न्यू डेली में ठीक है इतनी बात क्लियर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छः चलो भाई हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं किस किस के बीच हुए हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन दोनों देश की जो स्वास्थ्य की कंडीशंस होती हैं हेल्थ कंडीशन होती हैं उनके सुधारने के लिए समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको क्या कहा जाता है एम ओ यू यू इसमें ये वाला नहीं बनता कौन सा बनता है एम ओ यू बनता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होने के लिए क्या किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन फील्ड ऑफ हेल्थ क्वेश्चन नंबर छह का आंसर बताओ क्या होगा भाई सभी को राम राम ठीक है जितने भी लोग हैं सभी को राम 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 सभी को राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग ठीक है सभी को गुड नाइट जो भी जो कुछ कह रहा हो सभी को गुड इवनिंग ठीक है एक बार सेशन को जितने भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो तो एक बार कंफ्यूजन दूर करके दिवाली रिवीजन कर लेना कि दिवाली रिवीजन हो रहा है इसका पार्ट चार चल रहा है ठीक है और अब आपकी डेली कंड की क्लास स्टार्ट हो जाएगी खुश और कब होगी आपके रात में 11 बजे डेली हुआ करेगी एस एस सी एग्जाम बाई एग्जामपुर पे तो इसका आंसर बताएंगे हाल ही में क्या होगा मैक्सिको होगा ब्रिटेन होगा फिलीपींस होगा या फिर होगा आपका कंबोडिया जल्दी बता दो जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर छह का आंसर बता दो क्या होगा सभी का आंसर आ रहा है कंबोडिया सभी का आंसर कंबोडिया आ रहा है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कंबोडिया हो जाएगा जिसने अभी हाल ही में मोबर मेमो क्या नाम मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक हस्ताक्षर इन दोनों ने सहमति व्यक्त की है वह जितने भी क्या नाम प्रौद्योगिकी विकास होते हैं हेल्थ संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं द्विपक्षीय समझौते समझौते के तहत ये एक दूसरे की हेल्थ सामग्री से हेल्प करेंगे तो इन दोनों देशों के बीच में क्या हुई है अपनी मतलब संबंधों को ये मजबूत करने के लिए किस पे सहमति हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र पे किस पे हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र पे इतना क्लियर ठीक है इतना क्लियर और फिलीपींस की याद रखना थोड़ा से थोड़ी सी बात धान 29 की बात की जाए जिसको कहा जाता है राइस गोल्डन राइस कहा जाता है जिसकी प्रजाति का नाम क्या है धान 29 इन दोनों को क्या कर दिया गया है उगाने के लिए फिलीपींस ने बांग्लादेश की सहायता ली है और ये बांग्लादेश में इस धान की उपज हुआ करेगी इतनी बात क्लियर इतनी बात क्लियर और अभी हाल ही में फिलीपींस में 10 जून को अपना हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है किसका भारत का एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे इनके भारत में कौन किसको भारत का किसको फिलीपींस में हाल ही में क्या कर दिया गया है नियुक्त कर दिया गया है क्या हाई कमिश्नर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो अभी हाल ही में विक्रम दुरे स्वामी जी को यहाँ का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है क्वेश्चन नंबर सात चलो भाई हाल ही में किस प्लेटफॉर्म द्वारा अपने व्यापारियों के लिए एक डिजिटल गोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया भैया यहाँ पे लॉन्च ऐड कर लेना मेरे दोस्त डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया गया विच प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली डन अ डिजिटल गोल्ड प्रोजेक्ट फॉर इट्स मर्चेंट्स मतलब आपके ग्राहक रूपे फोन पे भारत पे या फिर आपका गूगल पे निम्न में से किसने क्या कर दिया है लोगों के लिए डिजिटल गोल्ड लोन प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है जल्दी बताएंगे भाई सभी लोग मिलके। भारत पे भारत पे भारत पे और रुपए भाई रुपए नहीं होगा फोन पे नहीं होगा गूगल पे नहीं होगा और इसका आंसर सही क्या होगा भारत पे ने क्या कर दिया है लोगों को भारत ने क्या किया है भारत पे ने क्या किया है लोगों को 24 घंटे 24 आवर ठीक है और 24 कैरेट के कितने 24 कैरेट का जो अपना सोना होता है उसके लिए 24 कैरेट का सोना बातें होती हैं कि ये 24 कैरेट का सोना है लेकिन 24 कैरेट का सोना जो आभूषण होती है रियलिटी में 24 कैरेट का सोना तो होता है लेकिन उसको आप पहन नहीं सकते अगर पहनोगे तो सिर्फ और सिर्फ 22 कैरेट का और दो कैरेट इसमें क्या मिलाया जाता है तामा मिलाया जाता है ताकि इसको मजबूती प्रदान की जा सके 24 कैरेट का सोना बहुत ही कैसा होता है बिल्कुल ये समझ लो पिघला पिघली हुई इसकी कंडीशन होती है इसको पहना नहीं जा सकता क्योंकि जो अगर सोने की बात की जाए इसके सोने की बात की जाए सोना का मतलब वीपिंग स्लीप नहीं होगा यहाँ पे स्लीप नहीं होगा इसका मतलब होगा यहाँ पे क्या गोल्ड इसका मतलब होगा गोल्ड अगर दो अगर किसी एक तोले सोने को अगर लिया जाए अगर एक ग्राम की बात की जाए तोले की बात की जाए अगर इसको खींचा जाए तो साइंटिफिक तौर पे ये दो किलोमीटर लंबा खींच सकता है जो कि आपका 24 कैरेट का सोना होता है तो 24 कैरेट का सोना से बने आभूषण या जितने भी बिक्री के से संबंधित या सामान लेने के संबंधित गोल्ड से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे सारे आपको किस पे भारत पे से मिल जाएंगे कितने भारत पे से मिल जाएंगे इतना क्लियर और जिसकी लिमिट बताई गई है चौबीस घंटे चौबीस कैरेट व चौबीस हजार रुपए तक के सोने पे ठीक है बेच व खरीद सकते हैं दोनों लोग इतनी बात क्लियर और इसमें जितने भी आपकी सामग्री होगी और उसमें भारत पे की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी और भारत पे को लॉन्च कब किया गया था 2018 में और अगर इसके सीईओ की बात की जाए संचालन की बात की जाए तो कौन है अश्वीर ग्लोवर जी कौन है अशीर ग्लोवर जी इतनी बात कंफर्म अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न से बने देव भोग स्वीट्स को लॉन्च किया है भैया हाल ही में कोविड नाइन्टीन की बात ये ऐसा देव भोग है जो अभी आपकी सुर्खियों में है क्या है सुर्खियों में है तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको खुद खाद्यान्न पदार्थ के लिए इसको लॉन्च किया है तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च देवभोग स्वीट्स मेड फ्रॉम फूड ग्रेन्स दिल्ली तेलंगाना उत्तराखंड या फिर आपका गोवा दिल्ली तेलंगाना उत्तराखंड या फिर आपका हो गया गोवा जल्दी बताओ फटाफट जल्दी बताओ फटाफट तो लो तब तक इसकी थोड़ी कुछ, कुछ सेशन की बात करते हैं जो देवभोग होता है ना जो आपके पंच तंत्र होते हैं पांच मेवाएं होती हैं उन चीजों से मिलकर बना होता है और इसका वैश्विक तौर पे सबसे ज्यादा यूनिक स्वाद होता है कैसा यूनिक टेस्ट होता है और किसने उत्तराखंड के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं कौन सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं कौन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उन्होंने इसको लॉन्च किया है और इसको हाल ही में क्या किया गया है ऑनलाइन भी इस मिठाई की खरीद आप कर सकते हो कहाँ की मिठाई है तो याद रखना ये या आपके उत्तराखंड की मिठाई है जिसका नाम है देव भोग जिसका नाम क्या है देव भोग इतनी बात क्लियर इतनी बात सभी को क्लियर हुई ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नौ चलो भाई हाल ही में मैसूद यल्माज का निधन हो गया है यह किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री किस राज्य के प्रधानमंत्री थे भाई इसका सही आंसर तुर्की लेबनान हाँ भाई यहाँ पे राज नहीं होगा यहाँ पे आप सभी लोग कर लेना देश यहाँ सभी लोग कंट्री कर लेना देश कर लेना किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे रिसेंटली मैसूद यलमाज हैज पास डबे ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री क्या ऑफ विच कंट्री किस देश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे ऑप्शन आपके सामने है तुर्की लेबनान आपका जापान या फिर आपका ऑस्ट्रिया अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर नौ नंबर नौ का आंसर क्या होगा, <coughs> क्या होगा? <coughs> चलो भाई क्वेश्चन नंबर नौ का बताओ बता चुके यार फिर भी लेट कर रहे हो बता चुके हैं फिर भी लेट कर रहे हो जल्दी बता दो और ये थे किस नंबर के 21वें नंबर के थे किस नंबर के थे 21वें नंबर के थे और भैया थे कहां के आपके तुर्की के तुर्की कह लो या टर्की कह लो कहां के थे टर्की के थे इक्कीसवें थे और इनका जो कार्यकाल था वो उन्नीस से लेके इनका कार्यकाल था उन्नीस से लेके उन्नीस तक था इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात क्लियर हुई तो इनके अभी भी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात भी यहाँ पे बन जाती है तो कौन है स्लिप ट्रेल एड्रोगान कौन है स्लिप एड्रिक एड्रोन ठीक है इतनी बात क्लियर इतनी बात सभी को क्लियर हुई इस क्वेश्चन से कुछ और जाना चाहते हो तो बता दो इस क्वेश्चन से हाँ एक क्वेश्चन की अगर बात की जाए एक क्वेश्चन ऐड कर लेना यहाँ की अगर यहाँ पे तुर्की की बात की जाए किसकी तुर्की की बात की जाए तो तुर्की की जो आपकी राजधानी है वो तो अंकारा हो गई लेकिन यहाँ पे इस्तानबुल कौन सी जो यहाँ पे इस्तानबुल आपने एक मूवी देखी होगी तो इसी इस्तानबुल में हागिया करके एक मस्जिद हुआ करती थी जिसका नाम क्या था हागिया सोफिया संग्रहालय हुआ करता था स्थापना जब हुई थी तब ये मस्जिद थी उसके बाद इसको क्या कर दिया गया था संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया था और इसी के तहत अभी हाल ही में 2020 में इसको क्या कर दिया गया है दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जा गया है जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और इसी के कारण ये चर्चा में है प्रोटेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें और हो रहे हैं आपके लेबनान में किसमें और हो रहे हैं आपके लेबनान में हो रहे हैं क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरुत में एक अमोनियम साइट नाइट्रेट से अभी हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ है जिसके चक्कर में यहाँ पे जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा तरीके से बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है और इसीलिए नेवरान वह पहला देश बन गया है जिसने सारे देशों ने क्या किया जो आपका भांग होती है भांग का मतलब क्या होता है कैनिवास की अगर बात की जाए उसके तहत जो आपकी भांग होती है नशीला पदार्थ होता है तो उसकी खेती कर, ले कर ले के यहां यहाँ अप्रूवल मिल गया है कहाँ पे आपके लेबनान में इतनी बात क्लियर इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग नोट कर लेना और यहाँ पे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने यहां पे क्या कर दिया था अपना इस्तीफा भी दे दिया है हाल ही में कौन सा बैंक हाल ही में कौन सा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट एग्रीग्रेट फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है और आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह फ्रेमवर्क कब किया था 2016 में और 2020 में ऐसा कौन सा बैंक है जो इसके फ्रेमवर्क पे एक ही विंडो पे काम करेगा विच बैंक है फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू गो लिव ऑन द आरबीआई अकाउंट एग्रीग्रेटर फ्रेमवर्क एच डी एफ सी आई सी आई सी आई लैंड बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ऐसी बैंक है जिसने KYC, के वाई सी कोविड नाइन्टीन के बाद के वाई सी पे क्या कर दिया है नो यो कस्टमर फुल फॉर्म क्या होता है नो यो कस्टमर मतलब क्या होता है इसका जैसे कि आप सिम लेने गए किसी दुकान पे आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाया आधार कार्ड दिखाया आधार कार्ड ने उसने अपनी सारी की सारी प्रतिक्रिया कर ली तो आधार कार्ड जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे क्या दर्जा दिया जाएगा वो यहाँ पे आपका केवाईसी है क्या है केवाईसी जिसके प्रति जिसने आपको सिम दी है वो जान सके कैसे जानेगा आपके आधार कार्ड से तो ये प्रक्रिया क्या होगी के लेकिन के आप क्या कर सकते हो अब ऑनलाइन मोबाइल मोबाइल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंप्लीट करा सकते हो तो इसका आंसर हो गया कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपकी बात की जाए आर की बात की जाए तो इसके प्रक्रम पे कौन सा बैंक हो गया इंडस लैंड बैंक कौन सा हो गया इंडस लैंड बैंक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा इंडस लैंड बैंक एक ही विंडो पे आरबीआई के विंडो पे जिसने प्रमाणन दिया था 2016 को कि कोई भी बैंक मेरे फ्रेम वर्क पर आके क्या, क्या कर सकता है फ्रेम वर्क पे आके लाइव आ सकता है एक ही विंडो पे दोनों काम कर सकते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थान होती हैं इन्वेस्टमेंट होता है स्टेटमेंट हो स्टेटमेंट होता है बैंक की जानकारी होती है वह सारी सारी जानकारी आप क्या कर सकते हो आप आरबीआई और इंडस लैंड की एक ही विंडो पे प्राप्त कर सकते हो इतनी बात क्लियर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह हाल ही में किसके द्वारा जीरकपुर जो कहाँ पे है पंजाब में है मैं एस ए आई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे आपके ग्यारह नंबर में बताएंगे कहाँ किया गया है रिसेंटली हु इनग्रेटेड द एस ए आई रीजनल सेंटर इन जीरकपुर पंजाब चलो भाई निम्न से किसके द्वारा किरण रिजिजू द्वारा राजनाथ सिंह द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा या फिर आपके वित्त मंत्री कौन है निर्मला सीतारमण इनके द्वारा क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर बताएंगे सभी लोग अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन से किसके द्वारा किया गया है कहां पे पंजाब जीरकपुर में किया गया है जल्दी बता दो तो फटाफट से बहुत बढ़िया इसका सही आंसर क्या होगा जो आपके केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू सभी का आंसर आ रहा है केंद्रीय आपके जो खेल मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजू जी इनके द्वारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ आथ इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया है आपके पंजाब में किया गया पंजाब में कहाँ पे किया गया है आपके जीरकपुर में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बी डी बदनौर बी पी बदनौर यहाँ के कौन है गवर्नर हैं और यहाँ के अमरिंदर सिंह जी जिन्होंने आपका एम को ठुकरा दिया था वो यहाँ के क्या हैं आपके चीफ मिनिस्टर हैं इतनी बात क्लियर और याद रखना इसको वैश्विक तौर पे मतलब वैश्विक आबासी तौर पे इसको लॉन्च किया गया है एस आई एस ए आई को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और इसके तहत एक सेंटर की का उद्घाटन किया जाएगा ठीक है और उसमें होगा क्या जितने भी आपको नई नई टेक्नोलॉजी है और यूथ जो अपना होता है स्पोर्ट के अंतर्गत जितना भी यूथ होता है उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कहाँ पर आपके पंजाब में काफी किया जाएगा आपके पंजाब में इतनी बात क्लियर इतनी बात क्लियर और जितने भी आपके नए नए एथलीट्स होते हैं एथलीट्स आथ, होते हैं उनके लिए भी एक विशेष अनुक्रम का उद्घाटन आपके जीरक पर पंजाब में ही किया जाएगा क्वेश्चन नंबर दो और ये बात कही किसने है आपके किरण रिजिजू ने जो आपके कौन है केंद्रीय खेल मंत्री हैं और क्या कर रहे हैं एस ए आई का उद्घाटन पंजाब में किया किया उन्होंने ठीक है निम्न में से किस देश का रक्षा बल रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर दो से छ नवंबर 2020 तक भारत का दौरा कर रहा है मतलब निम्न में से कौन सा देश का रक्षा बल की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर राजनाथ सिंह जी को निमंत्रण दिया है अब ये क्या करेंगे दो से 6 नवंबर 2020 तक भारत का दौरा कर रहे हैं द डिफेंस फोर्स ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज इन विजिटिंग इंडिया फॉर टू से सिक्स नवंबर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एट दिन इन्विटेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केन्या मालवी मलावी या फिर आपका हो गया थाईलैंड या हो गया आपका इंडोनेशिया इनमें से बताओ कौन सा आपका देश है और याद रखना ट्रिक दे, एक, आप फैक्ट बता रहे हैं ये कंट्री जो है कौन सी है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है आपकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है अनुरा क्रिएटिव जी आप तो डेली क्लास में आते हो आप बता दो इसका आंसर क्या होगा हाँ सही बात है इसका सही आंसर क्या होगा <coughs> इसके अगर सही आंसर की बात की जाए इसका सही आंसर होगा आपका केन्या ठीक है ये कैसी कंपनी है ईस्ट एशिया में सॉरी ईस्ट अफ्रीका ये आपकी कंट्री है कौन सी केन्या और केन्या की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या चीफ ऑफ डिफेंस है सीडीएस डी हैं वो कौन है आपके जनरल रॉबर्ट कोचिन जी हैं वो यहाँ पे दो नवंबर से और कितने नंबर नवंबर तक छः नवंबर तक भारत का दौरा करेंगे ठीक है भारत का कर दौरा करेंगे और राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर ये जितने भी डिफेंस से चर्चित होंगी बातें और जैसा अभी हाल ही में आपका राफेल आया है उसके अंतर्ग भी अंतर्गत भी बहुत सारी बात करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो आपकी अजीत डोभाल जी हैं उनकी भी इससे मुलाकात होगी ठीक है उनकी भी इनसे मुलाकात होगी और भारत और केन्या के जितने भी आपके द्विपक्षीय संगठन हैं या सहयोग हैं उन पे भी इनकी मुलाकात होगी और पीएम प्रधानमंत्री ऑफ जो केन्या है वो सबसे लास्ट में भारत में कब आए थे तो लिख लेना 2016 में आए हैं और 2016 में जब वो आए थे उनकी सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनसे काफ़ी देर तक या काफ़ी मतलब घनिष्ठ वार्तालाप इनके दोनों के बीच में होगी ये भी घोषणा इसमें की गई है हाल ही में मालबार नौसेना अभ्यास के चौबीसवें संस्करण को किस जगह आयोजित किया गया है भैया मालावार अभ्यास के चौबीसवें संस्करण को किस जगह हाल ही में आयोजित किया गया है रिसेंटली वेयर इज द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ एडिशन ऑफ द मालावार नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में होती है ये मालावार नेवल एक्सरसाइज तो कोची कांडला या मोर्ग्या या फिर आपका हो गया विशाखापट्टनम सारे सारे आपके सामने बंदरगाह हैं निम्न में से किस बंदरगाह पे हाल ही में मालाबार और आपकी मालाबार नौसैनिक अभ्यास के चौबीसवें संस्करण को आयोजित किया जा रहा है चलो भाई इसका बता दो और किन किन देश के बीच में किन किन देशों के बीच में किया जा रहा है जल्दी से एक बार सभी लोग मिलकर बता देंगे एक बार मिलके बता दो जल्दी सभी लोग ठीक है चौबीस का बताएंगे सभी लोग मिलके किया जा रहा है का मतलब यहां पे ये है कि नवंबर में नवंबर लास्ट में ये किया जाएगा कब किया जाएगा नवंबर लास्ट में नवंबर जो आपका चल रहा है ना नवंबर लास्ट में किया जाएगा चरण सेकंड के अंतर्गत और तो उसमें दो चरण लिए गए हैं जिसमें कौन कौन से देश हैं आपका भारत को ले लो और आपके यूनाइटेड स्टेट की नेवी एक ले लो किस किस को भारत को ले लो और आपकी यूनाइटेड नेशन को और इसमें एक जो देश ऐड हुआ है जिसका नाम है जापान इसमें एक देश ऐड हुआ है अभी जिसका नाम है जा जापान और उसके बाद प्रथम चरण में ही ऐड होने वाला एक देश इसमें हाल ही में सामने आया है जिसका नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया इसी के अंतर्गत ये चारों को चारों देश इसमें शामिल होंगे सबसे लास्ट में कौन आया है आपकी ऑस्ट्रेलिया नेवी आई है कौन आई है ऑस्ट्रेलियन नेवी और अगर ये 24वां संस्करण है और इससे पहले कब हुआ था 23वां संस्करण हुआ था जो हुआ कहाँ था ये आपके जापान में हुआ था कब हुआ था ये आपके जापान में हुआ था 2019 में कब हुआ था 2019 में और अगर यहाँ की बात की जाए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम जो कहाँ है आपके आंध्र प्रदेश में है कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में है और ये वाला होगा कहाँ पे तो लिख लेना अरब सागर में होगा कहाँ पे होगा अरब सागर में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौदह निम्न में से किस राज्य में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरो इंडिया 2021 का तेरवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुके तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कर्नाटक इसका सही आंसर क्या होगा कर्नाटक 2019 में भी ये किया वहीं पे किया गया था अगर फर्स्ट की बात की जाए अगर फर्स्ट की बात की जाए तो एरिया ए एरो इंडिया का जो फर्स्ट की बात की जाए तो स्थापना व स्टार्टिंग इस इसकी पहले संस्करण की हुई थी वो उन्नीस में हुई थी एरो इंडिया 2021 का तेरवा संस्करण जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है आपके कर्नाटक के बंगलोर में ओएल का जो यहाँ का हवाई क्षेत्र है स्टेशन है एयरफोर्स स्टेशन वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ठीक है वहाँ पे इसको आयोजित किया जा रहा है और 2019 में जो जिसका उद्घाटन किया गया था जो आपके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया था तब कौन थे आपके निर्मला सीतारमण और अब देखो किसके द्वारा किया जाए लेकिन होगा क्या इसमें होगा हो, मेरे हिसाब से किस किसके द्वारा किया जाएगा डिफेंस की अगर यहाँ पे बात की गई एयरफोर्स की तो राजनाथ सिंह के द्वारा ही ये किया जाएगा ठीक है और इसमें अगर यह हल्का जो आपका हवाई क्षेत्र उस पर किया जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेना अभी फ्रांस में अभी फ्रांस के डसेल्ट एविएशन जो आपकी फ्रांस की कंपनी है राफेल की निर्माता अभी राफेल आपके कहाँ पे आए हैं ये आपके गुजरात में आए हैं गुजरात में आए कहाँ हैं गुजरात में जामनगर में आए हैं गुजरात के जामनगर में ये तीनों के तीनों अभी आए हैं तो टोटल भारत में कितने हो गए आठ हो गए पांच पहले आए थे जो आए थे आपके हरियाणा के जो कहाँ आए थे आपके हरियाणा के हरियाणा में किस जगह पे आपके अम्बाला में हरियाणा के किस में आपके अम्बाला में आए थे पांच और उसके बाद तीन और अभी आए हैं जो कि जा गुजरात के जामनगर में टोटल हो गए भारत में आठ छत्तीस का इसमें क्या नाम हस्ताक्षर हुए थे और छत्तीस में थे तीस आपके फाइटर हैं और छः आपके कैसे हैं जो कि हमने बराबर आपके सेशन में बताते आ रहे हैं छ आपके कैसे हैं ये आपके हैं ट्रेनर छः कैसे हैं आपके ट्रेनर तो याद रखना अभी कौन सी आई हैं तीन और आई हैं कहाँ पे आए हैं जो आपका सेकंड बैच आया है वो आया है आपके गुजरात के जामनगर में क्वेश्चन नंबर चौदह यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है इतनी बात क्लियर क्वेश्चन नंबर पंद्रह निम्न में से किसे हाल ही में द करली ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अभी बताएंगे करली ग्रुप होता क्या है लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है करली ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है हु एमोंग द फॉलोइंग व रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर ऑफ द चीफ ऑफ करली ग्रुप उर्जित पटेल रघुराम राजन आदित्यपुरी राजेश नंबियार राजेश नंबियार की बात की जाए कांग्रेस इंडिया के जो कि यूएस की कंपनी है उसका इनको सीईओ के रूप में बनाया गया है भारत में आदित्यपुरे की बात की जाए एसजीएफसी के क्या थे आपके सीई थे लेकिन इनकी जगह पे कौन श्री सर शशिधर को बनाया गया है रघुराम राजन की बात की जाए तो इनको हाल ही में आईएमएफ का बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये क्या करेंगे जितने भी आई एम IM, IM, की कंट्रीज है एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और आईएमएफ की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी आर्थिक गतिविधियों पर नज़र कौन रखेगा रघुराम राजन रखेंगे ठीक है और अगर उर्जित पटेल की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा पंद्रह नंबर का द कर ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सॉरी अगर इसके क्वेश्चन के सही आंसर की बात की जाए तो किसे नियुक्त किया गया है आदित्य पुरी जी को किसको नियुक्त किया गया है आदित्य पुरी जी को इतना क्लियर द करली ग्रुप की बात की जाए जो जितने भी इस एशिया में निवेश किया जाता है जितने भी आपके एशिया में निवेश किया जाता है ठीक है हां हम हां बहुत बढ़िया ठीक है जितना भी इसमें मतलब मे, मेरी मिस्टेक है सॉरी माई जो आपका उर्जित पटेल यहाँ पे आंसर नहीं होगा बाकी आपके सारे सही थे इसमें से सही आंसर होगा आपका आदित्य पुरी जी जो तो एस डी एफ सी के थे ठीक है अभी तक अभी कौन बने शशिधर जगदीशन जो बन गए हैं उनकी जगह उन्होंने किसकी जगह ली थी आदित्य पुरे जी की और इनको हाल ही में किसका द करली ग्रुप का क्या बनाया गया वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है वह क्यों किया गया है क्योंकि जो आपका करली ग्रुप होता है उसमें ये जितने करली ग्रुप के द्वारा करली ग्रुप में जितने भी आपके निवेशक होते हैं जितने भी आपके निवेश देश होते हैं तो एशिया में निवेश करने का ये क्या करेंगे सभी को आमंत्रण भेजेंगे क्या करेंगे आमंत्रण भेजेंगे या कह सकते हो निवेश करने के अवसर प्रदान करेंगे कौन आपके आदित्य पुरी जी कौन करेंगे आदित्य पुरी जी इतना इतनी बात क्लियर इतनी बात क्लियर इससे होता होगा क्या एशिया का कैसा होगा व्यक्तिगत विकास होगा कैसा होगा व्यक्तिगत विकास होगा इतनी बात क्लियर इतनी बात क्लियर क्वेश्चन नंबर सोलह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रायथू वेदिका योजना की शुरुआत की गई कौन सी रायथू वेदिका की योजना की शुरुआत की गई रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द राय वेदि, वेदिकास स्कीम मिजोरम तेलंगाना गुजरात या फिर हो क्या आपका मेघालय निम्न में से किस राज्य में क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दे दो निम्न में से किस राज्य के सीएम द्वारा सीएम अगर सीएम की बात की जाए तो अगर सीएम की आपके अगर बात बताई जाए तो कौन है पहले इसका आंसर दो है कौन उसके बाद इनके सीएम के नाम बताते हैं तेलंगाना 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 बहुत बढ़िया और इसका सही आंसर क्या होगा तेलंगाना तेलंगाना के अगर सीएम की बात की जाए तो कौन है आपके के, के चंद्रशेखर राव और तमिल से सौंदर्य राजन यहाँ के कौन है आपके गवर्नर हैं कौन है तमिल से सौंदर्य राजन यहाँ के गवर्नर हैं के चंद्रशेखर राव ने अभी हाल ही में वेद का कि यहाँ पे को लॉन्च किया है जिसके तहत होगा क्या कृषि विस्तार होगा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कृषि विस्तार होगा वह किसानों को जितने भी जितने किसानों से संबंधित जितने भी उनकी उपज से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उपज से संबंधित जितने भी किसानों को प्रॉब्लम्स होती हैं पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वह वो किसान मंडियों जो द्वारा जो सताए जाते हैं अधिक उपज पैदा होने के कारण वो मूल्य ऊपर नीचे कर देते हैं उन सारे के सारी प्रॉब्लम्स के लिए तेलंगाना सरकार ने रायथू वेद का योजना का शुभारंभ किसके लिए किया है किसानों के लिए किया है ठीक है इतनी बात क्लियर मतलब कि किसानों की जितनी भी कठिनाइयां होती हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए रणनीतियों का उपयोग करने के लिए कहाँ पे आपके तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने इस योजना को लॉन्च किया है ठीक है और तेलंगाना में सी पटल योजना को भी लॉन्च किया गया था किसके लिए वोमेन्स के लिए, वो लिए ठीक है इतनी बात क्लियर क्वेश्चन नंबर सत्रह हाल ही में 2020 के लिए एमट लेही पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया भाई किसी ने पहली बार तो सुना ही होगा कौन सा आपका एम लेही पुरस्कार तो इससे हाल ही में किसे सम्मानित किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वार रिसेंटली अवार्डेड द एम एट लेही कौन सा एमट लेही अवार्ड फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी देशमुख दिनेश कात्रे मि, मित्री देशमुख या जगदीश धोत्रे निम्न में से किसे दिया गया चलो भाई इसका बता दो जल्दी से इसका बताओगे जल्दी से इसका बताएंगे सभी लोग आंसर दे रहे हैं वेजू भाई देशमुख वेजुभा देशमुख वेजु लेकिन इसका सही आंसर ये ना हो के इसका सही आंसर होगा दिनेश कात्रे इसका सही आंसर होगा दिनेश कात्रे दिनेश कात्रे हैं कौन जो आपका सी डैक है जो आपका सी डैक है जिस पे आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो अपने सेंटर पे किसके अंतर्गत सी डैक के अंतर्गत और जो आपका टी सी एस एग्जाम कंडक्ट कराती है और ये कहाँ पे जो आपके महाराष्ट्र में है है कहाँ पे आपके महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लिए ये दिया गया है और किसके लिए दिया जाता है जितने भी कंप्यूटर्स डिजाइनस होती हैं टेक्नोलॉजी होती है रिकॉर्ड होते हैं सूचना होती है उनके अंतर्गत यह दिया जाता है अगर यहाँ पे सीडेक की बात की जाए तो यहाँ पे सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ डेवलपिंग फॉर एडवांस कंप्यूटिंग के लिए इन दिनेश जी को दिया गया है इतनी बात क्लियर इतनी बात सभी को क्लियर ठीक है इतनी बात सभी को क्लियर क्वेश्चन नंबर सत्रह आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर किस देश ने लाक मार्टिन संघ से देश के परमाणु हथियारों के संचालन और विकास का प्रत्यक्ष नियंत्रण वापस ले लिया है हाल ही में देश के लाकढीन मार्टिन संघ से देश के परमाणु हथियार के संचालन और विकास का प्रत्यक्ष बाप, नियंत्रण वापस ले लिया है विच कंट्री विल विदड्रॉ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेशन एंड डेवलप फ्रॉम द यूनाइटेड यूनियन ऑफ लोकेट हिट मार्टिन ब्रिटेन अमेरिका नीदरलैंड या फिर आपकी हो गई कौन सी ऑस्ट्रेलिया और याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर बताए दे रहे हैं इसका आंसर होगा ब्रिटेन ब्रिटेन की ही ये कंपनियां हैं इसका नाम है लॉक्थिन मार्टन ये एक प्रकार का संघ है जो जिसने ब्रिटेन ने इसका हाथ दिया था किस लिए परमाणु हथियारों का संचालन करने के लिए और अभी हाल ही हाल ही में इसका हाथ साथ इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि परमाणु हथियार हथियारों पर ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या हो रही है रोक लगाई जा रही है अब ऐसा आप नहीं कर सकते ठीक है ऐसा आप नहीं कर सकते हो मतलब जितने भी आपके वेपन्स होती हैं उन पे हाल ही में रोक लगाई जा रही है ठीक है तो इसी के अंतर्गत आप ऐसा नहीं कर सकते और ये इन दोनों में समझौता कब हुआ था यहीं की कंपनी है तो ये हुआ था ये गैर सरकारी कंपनी है और कब हुआ था दो हजार में कब हुआ था दो हजार में ठीक है इतनी बात क्लियर इतनी बात क्लियर ठीक है और एक क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ लेना एक सौ जो आपके महात्मा गांधी की जयंती थी इकतीस अक्टूबर को इसके बाद ब्रिटेन नहीं इसके बाद ब्रिटेन ऐसा देश है ब्रिटेन का एक सिक्का होता है जिसका नाम होता है ब्रितानी ब्रिटेन का एक सिक्का है जिसका नाम है ब्रितानी ब्रितानी सिक्के पर भारत भारत के कौन महात्मा गांधी जी की आपकी तस्वीर वहाँ पे छपेगी किसकी महात्मा गांधी जी की ब्रितानी सिक्का वो सिक्का है जिसपे वैश्विक स्तर तो पर वो लोग जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है वह आत्मनिर्भर जो लोग होकर चले हैं हिंसक के पुजारी तो उन लोगों को ब्रितानी सिक्के पर छापा जाता है जो कहाँ का सिक्का है आपके ब्रिटेन का पीएम की बात करी जाए बोरिस जॉनसन और यहाँ की करेंसी बात पूछी जाती है कौन सी पाउंड करेंसी है लेकिन करेंसी के आगे यहाँ पे क्या लगता है पाउंड के बाद स्टेरलिंग क्या लगता है स्टेरलिंग इतनी बात क्लियर क्वेश्चन नंबर उन्नीस हाल ही में किसे महिला टी ट्वेंटी चैलेंज की शीर्षक प्रायोजक के रूप में चुना गया है जिसको आप स्पॉन्सर कहते हो ना तो हु है रिसेंटली जैसे आपके आईसीसी ने बीसीसीआई ने किसको लिया था अभी किसको हटा दिया वीबू को हटा दिया है ऐसे ही हाल ही में टी महिला टी ट्वेंटी चैलेंज Uh, के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है बी सी एस सी को हटा दिया है रेडमी हो गया ओप्पो हो गया या हो गया आपका नाइक निम्न में से किसे चुना है निम्न में से किसे चुना है और यहाँ पे सभी लोगों से गुजारिश है एक ऑप्शन बढ़ा लेना जिसका नाम है डी और जिसका नाम है जियो भाई अगर बढ़ाने का ऑप्शन आपने बता दिया है तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका जियो इसका सही आंसर हो जाएगा जियो जो हम आपके ऑप्शन में डालना बोल गए वही इसका सही आंसर होगा कौन सा जियो और अभी हाल ही में हो कहाँ रहे हैं ये आपके यू में होंगे कहाँ पर यू में और कब नौ नवम्बर कब नौ नवंबर इतना क्लियर इतना क्लियर ठीक है इतना क्लियर और किसने बीसीसीआई ने इसको लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, महिलाओं के जो टी ट्वेंटी चैलेंज होते हैं उनके लिए और अगर आपके पुरुषों की बात की जाए तो उसमें कौन है आपका उसके की बात की जाए तो उसमें जो वीवो था उसको हाल ही में हटा दिया गया है उसको हाल ही में क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है ठीक है और एक बात सभी लोग बताएंगे अगर वीवो को हटा दिया गया है तो वीवो की जगह आया कौन है इस्पॉन्सरशिप जो आई आपके कहाँ चल रहे हैं आपके सऊदी अरब में चल रहे हैं तो वहाँ पे हुआ क्या है कौन आया है कौन, आया है? कौन नया इस्पॉन्सर बना है ठीक है क्वेश्चन नंबर बीस निम्न में से किस राज्य ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल होने की अनुमति दी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अलाउड टू ट्रांसजेंडर टू अपीयर इन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन मतलब यहाँ पे बात कर लो जिसको को आप कहते हो यू पी एस सी ये होगी राज्य लेवल की बात इसी के तहत लिख दो यहाँ पे असम पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या कर दिया गया ट्रांसजेंडर को शामिल होने की अनुमति दी है इसी के तहत जो असम इसका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा असम में जो कि जो जितने भी लोग आपके ट्रांसजेंडर हैं वो सारे के सारे फिल कर सकते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मतलब वो भी अब आई एस पी सी एस बन सकते हैं इसी के साथ सभी लोगों में जो आपके ट्रांसजेंडर कहाँ के हैं असम के हैं बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि उन्होंने उन्हे, उन्हें भी क्या है मानवता जीने का पूर्ण अधिकार है इसी के तहत टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट होते हैं अब जो सेशन होगा डेली करंट अफेयर का सेशन आपका होगा ठीक है और इसी के साथ जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो अभी तक तो हमने पी इसलिए नहीं दी क्योंकि करंट अफेयर की डेली मिलती थी लेकिन अभी तक की इसलिए पी नहीं दी क्योंकि सभी को हमने प्रॉपर तरीके से डेली बाज के पी में सभी को प्रोवाइड करा देती थी, थी। रा किया करा दी थी और सभी को क्या है इन रोशनियों के तहत सभी को मेरा दिल से दीपावली की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं ठीक है पीडीएफ की बात की जाए तो आप पीडीएफ फिर भी डाउनलोड कर सकते हो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा उसके बाद टेलीग्राम से अगर डाउनलोड करना चाहो टेलीग्राम पे अपना चैनल है जिसका नाम है परीक्षागढ़ कांके चैनल अपना एग्जामपुर का है तो उससे भी आप आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और दिल से मेरा आपके लिए थैंक यू धन्यवाद नाम तो आप मेरा जानते ही हो ठीक है इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत